तो मैं हरिंदर बड़ी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो फन में। एक वीडियो जो है वो पिछले दो तीन दिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा वो जो है लोग देख रहे हैं और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो वीडियो वायरल हो रहा है। तो उस वीडियो की सच्चाई के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में। थंबनेल में आपने देख चुका होगा वीडियो किस बारे में। मैं आपको बता दूं, बेसिकली मेरा ये वीडियो बनाने का कोई मोटिव था नहीं, लेकिन मैंने देखा कि मेरे आसपास जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में हैं। जो बेसिकली यदि मैं ये कहूँ कि जो मोदी प्रेमी हैं वो थोड़ी सी चिंता के अंदर हैं, और जो हमारे देश की भोली भाली जनता है वो इस विचार के अंदर डूबी हुई है। और सबसे ज़्यादा तो धन्यवाद मैं उन लोगों को करना चाहूँगा जो इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और फैलाए जा रहे हैं बिना कोई देखे समझे क्या है वीडियो की सच्चाई, बस आया और ग्रुप में शेयर कर दिया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप भी कोई ग्रुप चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, तो वीडियो शेयर करने से पहले एक बार आप जो है ठंडे दिमाग से सोच लीजिएगा, क्या आप जो वीडियो शेयर कर रहे हैं वो वीडियो सही है, ऑथेंटिकेट है वो वीडियो। फिलहाल हमारे पास जो काफ़ी अच्छे अच्छे टूल अवेलेबल हैं, गूगल का रिवर्स सर्च हमारे पास अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे भी काफ़ी ज़्यादा अपडेट आ चुके हैं इस बारे में और काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं। तकरीबन सभी सोशल मीडिया साइट्स जो हैं, एप्लीकेशन हैं, वो इस बात पे काम कर रही हैं। तो इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहले आप जो है ये वीडियो की क्लिप देख लीजिए। इतनी नॉलेज एक सिपाही को नहीं हो सकती। चौबीस घंटे में आप मोदी को मरवा दोगे? 50 करोड़ हिंदुस्तान में तो कोई देगा नहीं, पाकिस्तान नहीं देगा। ऐसा काम कर रहा है देश के प्रति वफादार। देखो ऐसा है, मोदी कोई भी हो देश का प्रधानमंत्री है। इतनी यार पंकज जी एक मिनट में आपकी बात करूं, प्लीज। मोदी जी देखो सुनो, किसी भी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या किसी से भी, देश के प्रधानमंत्री 125 करोड़ लोगों को प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड हैं, और 125 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक हैं, चाहे वो कुछ भी है। अभी मैं बता रहा हूँ, मैं बात क्यों बोली, अभी भाषा बोला कि मैं मोदी को मरवा दूंगा, 50 करोड़ चाहिए मुझे। देश से करता है तो मतलब देश का मेरे साथ आदमी दे, देश का आदमी, देश का आदमी कौन दे देगा आप बताओ? करो बात, केजरीवाल दे देगा? जिस दिन मेरे को पेमेंट दिया 72 घंटे का टाइम देता हूँ। बता दें कि ये वीडियो वाराणसी से तेज बहादुर यादव का नामांकन रद्द होने के बाद आया है। इस वीडियो में तेज बहादुर कहते दिख रहे हैं कि अगर कोई उन्हें 50 करोड़ रुपए दे दे तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोली मारकर हत्या कर देंगे। वीडियो में तेज बहादुर कहते हैं कि 50 करोड़ दिलवा दो तो 24 घंटे में मोदी को मरवा दूंगा। इस पर एक शख्स कहता है कि हिंदुस्तान में तो कोई नहीं देगा, पाकिस्तान दे देगा। इस पर तेज बहादुर ने कहा कि वो देश से गद्दारी नहीं करेंगे। वहीं आपको बता दें कि वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ ताल ठोकने वाले बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर वाराणसी से उनका नामांकन पत्र खारिज करने की फैसले को चुनौती भी दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत सुनिश्चित करने की मंशा से उनका नामांकन पत्र। 50 करोड़ कैमरा तो ढंग से शूट कर लेते हैं। तीसरी बात, जहाँ पे ये वीडियो शूट किया गया है उसके बारे में आप देख सकते हैं कि पार्टी सार्टी चल रही है, 3-4 बेवड़े बैठे हुए हैं, दारू पी के सेट हो रखे हैं और उसके बाद में प्लानिंग चल रही है। ये प्लानिंग वैसी ही है कि भाई मैं कल आगरा का ताजमहल जो है वो ख़रीदने वाला हूँ, और दूसरा बेवड़ा जो है वो उससे बोलता है भाई मैं बेचूँगा तब खरीदेगा ना, कुछ इसी तरीके की प्लानिंग है। इससे ज़्यादा इस वीडियो के अंदर कुछ ही नहीं है। अभी इस वीडियो की बात कर लेते हैं ऑथेंटिकेशन की, और जो हमारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं जो बार बार इस वीडियो को दिखा रहे हैं, इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, और जो दावा किया जा रहा है कि जिनका ये वीडियो है, जिन्होंने ये कहा है, उनके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहली बात हम शुरू करते हैं वीडियो की ऑथेंटिकेशन से। तो भैया ये वीडियो जो है बिल्कुल भी ऑथेंटिकेट नहीं है। हमारे जो मीडिया है उनके पास इतने अच्छे अच्छे टूल अवेलेबल हैं जिनसे वो वीडियो की ऑथेंटिकेशन को चेक कर सकें, तो इस वीडियो को ऑथेंटिकेट नहीं बताया है किसी ने भी अभी तक। इस वीडियो को ऑथेंटिकेट नहीं बताया कि ये वीडियो जो है वो सही है, सच है,
किसी का कुछ कहना नहीं है। दूसरी बात इस वीडियो की क्लियरिटी की, आप इस वीडियो की क्लियरिटी के अंदर देख सकते हैं जो इंसान जो बात कर रहा है, जो बोल रहा है, शक्ल बिल्कुल भी साफ नहीं दिखाई दे रही है। और कई मीडिया चैनल्स का, न्यूज़ चैनल्स का ये कहना है कि ये वीडियो जो है ये 2017 के अंदर शूट किया गया था, और जो जैसा कि हमारी मीडिया बता रही है कि ये वीडियो जो है तेज बहादुर यादव ने ऐसा कुछ कहा है, तो भैया उसके बारे में इनका भी कोई अभी ऑफिशियल कमेंट नहीं आया है। तेज बहादुर यादव के बारे में हम आपको बता दें, ये जो है हमारी BSF के एक्स जवान हैं, वहाँ से इन्हें टर्मिनेट किया गया था, और अभी ये चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होने की प्लानिंग कर रहे हैं। वैसे इनका जो नामांकन है वो रद्द कर दिया गया था, बाकी देखते हैं भैया। अब मैं आपको जो है सजेशन के रूप में जो बताने वाला हूँ वो ये है कि ऐसे वीडियो पे कोई विश्वास नहीं कीजिए। ये बात हो रही है नरेंद्र मोदी जी के बारे में, तो जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो ये सस्ता नशा करने वाले उनका कुछ ही नहीं बिगाड़ सकते, ना ही उनकी कोई बस की बात है। तो ये सिर्फ एक पी के किन्हीं बेवड़ों ने वीडियो बना दिया, इससे ज़्यादा कुछ ही नहीं है। तो इस वीडियो को जो है आप शेयर कीजिए, जो आप ये मेरे वाला वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो हमारी देश की भोली भाली जनता जो चिंता के अंदर पड़ी हुई है उन तक सच्चाई पहुंच सके। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मेरी उस भोली भाली जनता से हाथ जोड़ के आग्रह है जो वीडियो शेयर करते हैं, भैया बिना अथेंटिकेट किए, बिना सोचे समझे कोई भी वीडियो आप शेयर ना करें तो ही अच्छा होगा। बाकी मेरा कंटेंट जो है वो इस तरीके की वीडियो का नहीं है, मेरा बेसिकली टेक चैनल है और टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियोस में जो है डेली अपलोड करता रहता हूँ। लेकिन मेरे को लगा कि इस वीडियो के बारे में थोड़ी सी बात करनी चाहिए, तो आपका जो भी सुझाव वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या आपका विचार है, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।